नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में चक्रवातों के नाम कैसे रखे जाते हैं? ये तो खुद चक्रवातों की तरह ही दिलचस्प प्रक्रिया है। चलिए जानकारी के इस बवंडर में गोता लगाते हैं। चक्रवातों के नाम कोई यूं ही नहीं रखे जाते, बल्कि ये विश्व मौसम संगठन यानी WMO और दुनिया भर के क्षेत्रीय मौसम केंद्रों द्वारा तय की गई एक सोची समझी प्रक्रिया है। हिंद महासागर क्षेत्र के लिए ये जिम्मेदारी भारत सहित 8 देशों की होती है। इस प्रथा की शुरुआत एक व्यावहारिक कारण से हुई थी। नामों को याद रखना संख्याओं या तकनीकी शब्दों की तुलना में आसान होता है और इससे चेतावनियों को जल्दी फैलाने में मदद मिलती है, खासकर तब जब एक ही क्षेत्र में कई सिस्टम हो तो ये भ्रम को कम करता है। तो नामकरण वास्तव में कैसे होता है? 8 देशों में से प्रत्येक अपने सुझाए गए नामों की एक सूची देता है। ये नाम छोटे, बोलने में आसान और सांस्कृतिक रूप से तटस्थ होते हैं। फिर इन नामों को एक सूची में व्यवस्थित किया जाता है जिसका उपयोग क्रम से होता है, यानी जिस क्रम में देशों को सूचीबद्ध किया गया था उसी क्रम में बारी बारी से नाम इस्तेमाल होते हैं। उदाहरण के लिए अम्फन नाम, जिसने 2020 में व्यापक तबाही मचाई थी, वो थाईलैंड द्वारा दिया गया था। यह नाम 2004 में शुरू हुई पुरानी सूची का आखिरी नाम था। 2020 में एक नई सूची अपनाई गई जिसकी शुरुआत बांग्लादेश द्वारा दिए गए निसर्ग नाम से हुई। दिलचस्प बात यह है कि यदि कोई चक्रवात विशेष रूप से घातक या महंगा साबित होता है तो नामों को हटाया भी जा सकता है। ये पीड़ितों के सम्मान और भविष्य में भ्रम से बचने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए 2019 में आए चक्रवात फानी का नाम हटा दिया गया है। तो अगली बार जब आप किसी चक्रवात का नाम सुने तो याद रखें, उस नाम के पीछे एक पूरी सुनियोजित प्रक्रिया और थोड़ा सा सांस्कृतिक सम्मान छिपा है। यह सब सुरक्षा और स्पष्ट संचार सुनिश्चित करने के एक बड़े प्रयास का हिस्सा है। जिज्ञासु बने रहें और सीखते रहें, क्योंकि अपनी दुनिया को समझना ही हमें इसकी बेहतर सुरक्षा करने में मदद करता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक, शेयर और अधिक ज्ञानवर्धक सामग्री के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे।